अरफा, आपको क्या लगता है? सरकार तो साफ तौर पर कह रही है, जितनी बातें मैंने सुनी कम से कम मुझसे एक ही निष्कर्ष निकला, सरकार का कहना है कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं, ये कपोल कल्पना है। और फिर उसमें जो जिस तरह भी विराग जी ने इशारा किया कि भाई संसद के ठीक पहले जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि दरअसल संसद को डिरेल करने के लिए या संसद ना चले या संसद में विकास की बातें ना हो पाए उसको करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो जो सरकार इस पूरे पेगासस के मामले को नॉन एग्जिस्टेंट मानती है या मानती नहीं कैसी कोई चीज है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकती है कि जांच भी हो पाएगी या जांच भी करेगी या कोई सच भी सामने आ पाएगा? आशुतोष जी, अच्छा हुआ कि आपने इस मुद्दे पर यह चर्चा रखी है, बहुत जरूरी चर्चा है। और मैं तो खुश हूँ इस बात को लेकर कि न सिर्फ कि जिनको सो कॉल्ड ऑल्टरनेट मीडिया कहा जाता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी फोर्स्ड है। जब वो गवर्नमेंट के क्लैरिफिकेशन को छापती है या उसकी सफाई की जो स्टेटमेंट्स है उनको सामने रखती है, तब भी उसको बताना पड़ता है कि इस तरह की कोई जासूसी का एक स्कैंडल सामने आया है। तो भारत में मुझे नहीं लगता, अभी देखिए आपके 3 हफ्ते लगभग इस बात को गुजर रहे हैं जब वायर ने 16 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर पहली बार इतने बड़े इस स्कैंडल का पर्दा फाश किया था। आप मुझे एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन पेगासस को लेकर चर्चा नहीं हुई हो, जिस दिन, यानी आप ये सोचिए कि जब रविवार के दिन ये पूरा स्कैंडल का पर्दा फाश हुआ और सोमवार से लेकर अब तक हर रोज सरकार के नुमाइंदे, उनके समर्थक, उनके सहयोगी सिर्फ और सिर्फ पेगासस पर सफाई देते घूम रहे हैं। तो अगर उन्हें ये लगता है कि ये उनकी खुशफहमी हो सकती है कि हो सकता है कि इतने बड़े पर्दाफाश जिसे भारत नहीं बल्कि तमाम तरह की भौगोलिक सीमाएं लांघ कर ये इतना बड़ा स्कैंडल है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या टीएमसी ने या बीएसपी ने पैसे दे दिए थे और 4 पत्रकारों ने मिलकर ये पर्दाफाश कर लिया था, 80 पत्रकार पूरी दुनिया के, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिस पर महीनों काम हुआ है। मैं क्योंकि उस संस्थान से आती हूँ जिस जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा, आप यकीन जानिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी एक पत्रकार के तौर पर मैं उसका हिस्सा नहीं बनी। तो अगर सरकार को ये लगता है कि खुशफहमी है उसकी कि वो शायद सिर्फ इतना कह देगी कि नहीं हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं और सरकार के लोग भी शायद इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो जुडिशरी से आए हुए लोग हों या पॉलिटिशियंस हों, वो सब इस वक्त खौफजदा हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि ये इतनी डरी हुई सरकार है, इतनी पैरानॉइड सरकार है कि सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं अपने दोस्तों पर भी जासूसी करती है। और मुझे लगता है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतना गंभीर मामला है, ये बिल्कुल निर्णायक दौर में पेगासस का जो ये एक्सपोजे है वो उस तरफ आगे बढ़ रहा है जहां सरकार को सफाई नहीं देनी होगी, इन्वेस्टिगेशन बिठाना ही होगा। वो इस बात का इंतजार ना करें कि 2-3 दिन 4-3 हफ्ते गुजर रहे हैं और ये सिर्फ आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि होता यह है कि जिस राज को आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं, कहा जाता है कि राज जो होते हैं और वो और जो मोहब्बत होती है वो खुशबू की तरह होती है, वो फैल जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते, एक बार अगर वो खुल गई वो शीशी तो उसको आप चारों तरफ अगर भागते भी फिरें तब भी उसको उस शीशी में अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा राज है जिसको अब बंद नहीं किया जा सकता। सरकार को इस पे न सिर्फ कि मैं इतना कह रही हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देना होगा बल्कि मैं कह रही हूं कि इसके गंभीर चुनावी नतीजे भी होंगे। आपको जोड़ना चाहती थी, प्लीज। जी, मैं कुछ ये बताना चाह रही थी कि दर्शक आपके ये समझ लें कि सिर्फ भारत का अंदरूनी मामला नहीं है जिसको कह के सरकार कहेगी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम नहीं बता सकते। पूरी दुनिया के 14 वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिनके ऊपर जासूसी हो रही है किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि भारत की अंदरूनी राजनीति बदलेगी, न सिर्फ इतना कि सरकार ये कह ले कि हम सफाई नहीं देंगे या हम इस पर कोई जवाबदेही का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है, आप यकीन जानिए आशुतोष कि ये मामला सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है। ये निजता के अधिकार से कहीं ज्यादा ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सवाल बन गया है कि कैसे एक देश का जो नेता है, एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जासूसी कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरह के सौदे होंगे, जो जियो पॉलिटिक्स होगी वो बदलेगी। और आप ये सोचिए कि जब ये 14 वर्ल्ड लीडर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये भी याद रखें कि कल ही वायर ने एक और बहुत क्रूशियल स्टोरी, इसी का जो एक सीरीज में स्टोरी की है, वो है
कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सिटिंग जज जस्टिस अरुण मिश्रा के पुराने नंबर पर जासूसी हो रही थी, पोटेंशियल टारगेट थे वो, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे। अरुण मिश्रा ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हाँ ये नंबर उनके पास था, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे जब वो जज थे, सिटिंग जज, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो उनका नंबर नहीं है। आप ये सोचिए कि जस्टिस अरुण मिश्रा के नंबर में किसको दिलचस्पी थी। आप सुप्रीम कोर्ट की पूरा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आप उसको देखें। आज हम इस बात पर खुश हो रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर बताया, आप ये देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट की संस्था पे जो विश्वास है वो किस तरह से आम आदमी का हिल गया कि सुप्रीम कोर्ट के दो रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे जुड़े हुए जज, जो बड़े कारोबारी हैं उनसे जुड़े हुए दो वकील, इसके अलावा 13-14 वो वकील जो ह्यूमन राइट्स और जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। आप ये सोचिए कि जो पूरी हमारी न्यायपालिका है उसके दो महत्वपूर्ण पहलू, यानी जज, वकील, और वकीलों के अलावा रजिस्ट्रार भी, यानी जो वो लोग जो तय करते हैं कि ये केस कहाँ सुना जाएगा, कब सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। करीब करीब 70,000 के मामले के आसपास मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। तो पूरी जो हमारी न्याय की प्रणाली है, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो भी उच्चतम स्तर पर, उस पर सवाल उठ रहा है, बहुत गंभीर सवाल है। अगर मुंसिफ के पत्रकार होने के नाते, अगर भारतीय नागरिक होने के नाते हमने इसको दबा दिया और इस पर सवाल नहीं पूछा, मैं तो कहती हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी सरकार है, किसी भी सॉवरेन गवर्नमेंट को यह जवाबदेही देनी होगी कि अगर वो ये नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है, किसके पास इतना पैसा, रिसोर्स, इंटरेस्ट है। आज तो सबसे अहम बात लास्ट में मैं कहना चाहती हूं, इंटरेस्ट किसको है। अगर ये भारत की सरकार नहीं कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं भारत के नागरिक के तौर पर अपील करती हूँ, मांग करती हूँ भारत की सरकार से कि ये पता लगाए किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मेरे आपके यहाँ बैठे हुए मेहमानों के नंबर पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, किसका इतना इंटरेस्ट है, रिसोर्सेज किसके हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।